सब भूल गए ना इट हैज बीन क्वाइट लॉन्ग कि स्कूल छूटे है ना? दस पंद्रह साल पहले स्कूल गए होंगे लास्ट स्कूल कब गए थे ये भी भूल गए इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसी साल है ना? तो कैसे करते थे स्कूल में ऐसे करते थे फिर थोड़ा बोल के अच्छे से बताओ कैसे करते थे हाँ वैसे अभी भी एनर्जी आई नहीं है ऐसी एनर्जी लाओ ऐसा लग रहा है सुबह से थक के अब जब थक गए पूरा तो सोचा चलो पढ़ाई कराएन गुड ऑल यू बेटर अब लगा कि आत्माएं नहीं है सिर्फ शरीर नहीं है आत्मा भी है सिरा जो कोर्स आप करने जा रहे हैं उसका सबसे पहला नियम डिसिप्लिन कौन सा कोर्स करने जा रहे हैं कौन सा सी ए करने जा रहे हैं वेरी गुड वॉट इज द फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम लोग को देख के ऐसा लग रहा है धक्का मार के भेजे गए हो जाओ सी ए करके आओ ओके सो दिस इज फर्स्ट क्लास सबसे पहली बार हम लोग सी ए फाउंडेशन का बैच स्टार्ट कर रहे हैं ओके एंड दिस कोर्स इज न्यू टू यू ऑल दो आई थिंक कुछ बच्चे होंगे जो पहले से ही पढ़ रहे थे यस yes, कुछ नॉलेज है सी ए के बारे में एनी एनी क्या है ये कोर्स कितना बड़ा होता है अच्छा कुछ पता हो ना पता हो एक चीज़ आपको पता है टफ बहुत होता है है ना बाकी कुछ नहीं पता बाकी हमको कुछ नहीं पता बस एक चीज़ पता है टफ बहुत होता है वो भी सबसे सुना है है ना जिसको भी अभी आप ये बोलते होगे कि सी करने जा रहे हैं बिकॉज आई थिंक ट्वेल्थ के बाद सारे रिलेटिव फ्रेंड का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है क्या कर रहे हो आप कहते हो सी कर रहे हैं तो उनका अगला आता है कर पाओगे बहुत टफ होता है बहुत साल लगते हैं तो बेसिकली आप एक ऐसा कोर्स करने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता बस ये पता है कि बहुत टफ होता है ना सो दिस इज अ फर्स्ट क्लास हम लोग सी uh, ए का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं ओके okay? सब कुछ करेंगे पढ़ाई तो करेंगे ही यहाँ आपको एक चैप्टर भी दिख रहा है उसकी बात तो बहुत बाद में करेंगे उसके पहले बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आप तो ये बताइए कि जैसा आपने बताया सी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है एनीथिंग एल्स और क्या करता है सी ए ऑडिट करता है वेरी गुड बड़े बड़े शब्द सीख के आए हैं है ना वॉट इज ऑडिट यही सुना था जो सुना था बता दिया फिर भी अगर जैसे अगर मान लीजिए कोई बच्चा ये कह रहा है कि हम इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो वो पता है क्या करेगा कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर कोई कह रहा है हम डॉक्टरी की लाइन में जा रहे हैं तो पता है ऑपरेशन ऑपरेशन करेगा आप सीए करने जा रहे हो तो आप क्या करोगे हाँ अकाउंट से रिलेटेड काम करोगे वेरी गुड और कोई फील्ड वही अकाउंट जिसमें ट्वेल्थ में बड़ी दिक्कत होती थी है ना अच्छा ये भी एक अजीब बात है कुछ बच्चे होते हैं जिनको ट्वेल्थ में अकाउंट से कुछ दिक्कत होती है एक्चुअली उनका डेबिट क्रेडिट का लोचा कभी सॉल्व ही नहीं होता है है ना लेकिन फिर वो सीए ले, ले लेते हैं कि हम क्या करेंगे सीए करेंगे तो वो एंड तक सीए बन जाते हैं अभी ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं हम आपको वो एंड तक सीए बन जाते हैं लेकिन उनका वो डेबिट क्रेडिट का लोचा ना जिंदगी भर रहता है उसका जीता जाता एग्जाम्पल हम हैं हाँ दैट्स ट्रू तो वो अकाउंट्स वो जब भी डेबिट में जाना है कि क्रेडिट में जाना है जब भी ऐसे ही कोई कुछ पूछता है ना तो एकदम से एक धड़कन रुक जाती है क्या होगा ऐसा आपके साथ भी होता है अकाउंट्स में कुछ लोग का अकाउंट्स बड़ा परफेक्ट होता है बट वो कुछ ही होते हैं ठीक है तो पहली चीज़ तो ट्वेल्थ में आपका जो भी रहा हो ठीक है पास्ट पास्ट को भूल जाओ यहां से जीरो से स्टार्ट करना है सी के बारे में ओके okay? ओके okay, ये कोर्स कितना बड़ा है बिफोर एनीथिंग एल्स आई एम ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे दिखते हैं सी ऐसे ही दिखते हैं नॉर्मल इंसान ठीक है तो अभी हम दिख रहे हैं कुछ टाइम बाद आप भी दिखेंगे तो आप भी दूसरों को यही बताएंगे कि हम भी सी हैं ओके तो सी uh, की बात हम लोग कर रहे हैं कितना बड़ा कोर्स होता है ये कितने साल लगेंगे अच्छा अभी से आपने पाँच साल का अपना बना लिया कि चलो पाँच साल की छुट्टी हो जाएगी ठीक है बेसिकली चार साढ़े चार साल लगने को पाँच भी लग सकते हैं लगने को दस पंद्रह भी लग सकते हैं और क्या मैक्सिमम विजन भी तो लेके चलो क्योंकि आपके कोर्स में अच्छी बात यह है कि इसमें नंबर ऑफ अटैम्प नहीं है आप जितनी बार चाहो उतनी बार फेल हो सकते हो हाँ और क्या यही तो मतलब हुआ इंस्टीट्यूट का नंबर ऑफ अटैम्प का मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए दो बार फेल हुए या तीन बार फेल हुए तो इंस्टीट्यूट ने आपको डिसकॉलीफाई कर दिया इंस्टीट्यूट ये कहता है पास हो के दिखाओ है ना अगर आप पास हो गए तो हम आपको सीए बना देंगे कुछ अच्छी बातें जो है हमारे कोर्स की सबसे पहली चीज़ इसमें एज लिमिट नहीं है ठीक है तो अभी आपने शुरू किया है अभी आप बच्चे हैं कल को आपके बच्चे होंगे है ना तब तक सी हो गया तो अच्छी बात है नहीं तो आप और आपका बच्चा दोनों साथ में पेपर देने जाएंगे है ना तो आपका बच्चा कहेगा इस बार कैसा हुआ पेपर आप कहेंगे अरे हमारा तो इतने सालों से ऐसा ही हो रहा है है ना नो दैट विल नॉट बी द केस ऑब्वियसली हम लोग एक बार में क्लियर करेंगे और जल्दी से जल्दी सीए करेंगे ओके okay? तो सीए कोर्स के बारे में सबसे पहली चीज इट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम एंड यू वुड बी वेरी हैप्पी टू नो दिस दैट दिस इज द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया ये पता आपको Uh, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक है उसमें कहीं ना कहीं ये मेंशन है इंडिया के बारे में कि जो इंडिया का सीए है दैट इज द टफेस्ट कोर्स अब आप सोच रहे होंगे नहीं ऐसा थोड़ी है आई भी होता है और ये भी होता है सब कुछ होता है बट सी करने के जो सरकमस्टांसेस होते हैं आपको पता होगा आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है है ना ऑफिस जाना पड़ता है उसके साथ सी करना बहुत टफ होता है और इसको इंडिया का टफेस्ट कोर्स माना जाता है ठीक है तो कुछ बच्चे तो यहीं से सोच रहे हैं गलत आ गए पहले पता होता हम तो यही सोच के आए थे कि कुछ नहीं हो रहा है चलो यही कर ले नो इट इज द टफेस्ट कोर्स बट आपको ये भी जान के खुशी होगी कि अगर ये टफेस्ट कोर्स है अगर कोई चीज टफ है तो उसकी वैल्यू भी बहुत है यस yes? आपने देखा होगा जितने भी या सुना होगा बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं दो तरीके के काम है या तो वो अपना खुद का काम करते हैं अपनी प्रैक्टिस करते हैं या फिर वो जॉब करते हैं आई थिंक मैक्सिमम ऑफ यू यहाँ पर भी जॉब के सपने ही देखते होंगे ना कि जैसे ही सी होगा अंबानी अपने हेलीकॉप्टर से उतरेंगे अपना हाथ बढ़ाएंगे आओ आ जाओ है ना सारे बच्चे यही सपने देखते हैं। वो लास्ट तक समझ में आता है अच्छा रियलिटी क्या है सो ऑब्वियली इट इज वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स राधर टफेस्ट कोर्स तीन लेवल्स होते हैं इस कोर्स के कौन कौन से फाउंडेशन इंटरमीडिएट एंड फाइनल ये तैयारी अच्छे से करके रखी है ओके फाउंडेशन एंट्री लेवल टेस्ट है ठीक है अभी आप सी कर नहीं रहे हैं अभी आपसे जो भी पूछता है आप क्या कर रहे हो आप कहते हो सीए कर रहे हैं Actually, अभी आपने सीए शुरू किया है सी ए कर रहे हैं तो वर्ड तब यूज होगा जब आप फाउंडेशन पास हो जाएंगे अभी तो आप उसके एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं है ना अब आपको लग रहा है डरा ज्यादा रही हैं बता कम रही डराते हम कभी है ही नहीं कभी नहीं डराया डर दर लगा कभी आपको लगा मेरी बातों से अभी लगेगा ठीक है वेट ओके okay. तो सी ए फाउंडेशन इज एक्चुअली एन एंट्रेंस लेवल टेस्ट चार पेपर होते हैं छह सब्जेक्ट होते हैं पता है इसके बारे में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसमें अकाउंट्स होता है पेपर टू इज लॉ लॉ के साथ एक और सब्जेक्ट है बी सी आर वॉट इज बी सी आर बेसिकली शॉर्ट में समझो तो इंग्लिश वही इंग्लिश वही भयानक इंग्लिश जो वहां ना हुई बाकी अभी रिजल्ट बताएगा रिजल्ट अवेटेड होगा आइस सबका है ना हाँ तो बाकी रिजल्ट बताएगा कि इंग्लिश कैसी थी रिपोर्ट राइटिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज ठीक है वो सारी चीजें हैं पेपर थ्री इज मैथ्स अरे बाप रे, है ना? सुन ही डर लग गया मैथ्स से डर लगता है बोल मत देना लगता है अगर लगता है तो फिर यहां गलत हो ऑल्दो मैथ्स आपके सिर्फ एंट्रेंस लेवल पर है ठीक है आगे नहीं है आगे सिर्फ अकाउंट्स है टैक्स है मैथ्स एंट्रेंस लेवल पर है और मैथ्स के साथ स्टैट्स भी है स्टैट्स से थोड़ी बहुत दोस्ती होगी आपकी है ना थोड़ी ईजी होती है कम्पेरिजन टू मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग ओके ये तीनों चीजें हैं और पेपर नंबर फोर आपका फेवरेट इकोनॉमिक्स है ना उसमें तो मास्टर कॉन्फिडेंस देखो ऐसा लग रहा है अभी पेपर दे हैं जाके अच्छा पेपर नंबर वन एंड टू जो है अकाउंट्स एंड लॉ ये क्या है सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव ट इज सब्जेक्टिव एंड वॉट इज ऑब्जेक्टिव रिटर्न पेपर ठीक है एंड पेपर नंबर ये सबसे खतरनाक बात होती है अब पेपर नंबर वन एंड टू की बात समझिए यह है सब्जेक्टिव पेपर यानी अकाउंट आई थिंक यू आर ओके विद क्यूकी ट्वेल्थ में भी आपको बड़े बड़े क्वेश्चन करने की आदत होगी दैट इज ओके लॉ आपके लिए एक ऑल टुगेदर नया सब्जेक्ट है ठीक है लॉ के बारे में आपने आई थिंक पहले कभी नहीं पढ़ा होगा और लॉ ही सब्जेक्टिव है यानी कि आपको बड़े आंसर्स लिखने हैं ये डायरेक्ट आंसर्स नहीं होते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ठीक है थीके? तो दैट इज अ सब्जेक्टिव पेपर इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव है ये आपके लिए अच्छी बात है ठीक है क्योंकि ऑब्जेक्टिव होने का मतलब कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा ग्राफ और चार्ट जो बनाते थे आप उनके आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है मैथ्स भी क्या है ऑब्जेक्टिव ये अच्छी बात है कि बुरी बात है दोनों ही समझ सकते हो क्योंकि देखो बुरी बात इसलिए है क्योंकि जब बड़े क्वेश्चन होते हैं ना तो स्टेप मार्किंग नाम की एक चीज होती है और आपका दिल जानता है कि स्टेप मार्किंग से ही तो पास हुए हो आज तक एक्चुअली बैलेंस शीट टैली होना तो एक सपने की बात होती थी ना बैलेंस शीट टैली हो गई स्टेप मार्किंग के भरोसे ही तो नंबर आते थे अभी देखना रिजल्ट है ना और ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम ही होती है इज नो नथिंग कॉल्ड स्टेप मार्किंग या तो सही या तो गलत और अगर गलत तो खुद तो जाएगा ही और दूसरे के पॉइंट पॉइंट टू फाइव भी, भी लेके जाएगा ठीक है तो ध्यान रखना ऐसा ना हो नेगेटिव में नंबर आ जाए नंबर कितने आए माइनस फाइव

जो आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर करनी पड़ती है सुना है ट्रेनिंग का बेसिक मतलब होता है ऑफिस जाना पड़ता है ठीक है इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि स्कूल के बाद डायरेक्ट ऑफिस होता है कॉलेज लाइफ नहीं होती जो कॉलेज लाइफ एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइफ आपको बचपन से लगती थी ना वो मिस हो जाती है बिकॉज आपका स्कूल होता है और स्कूल के बाद डायरेक्ट ऑफिस होता है अच्छी बात यह है ऑफिस जाते हैं और उसके साथ साथ थोड़ी सी सैलरी भी मिलती है थोड़ी सी उस सैलरी को क्या कहते हैं आपको पता है ये पता है वाह पैसे वैसे वाली बात देखो भाई बार में सही आंसर आ गया स्टाइपेंड स्टाइपेंड मिलती है बहुत ज्यादा नहीं मिलती बट ठीक ठीक मिलती है ओके एंड देन देनली यू हैव सी ए फाइनल उसके बीच में आपके दो तीन तरीके की ट्रेनिंग होती हैं एक कंप्यूटर ट्रेनिंग होती है एक कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग होती है जो आपके इंस्टीट्यूट में होती है इंस्टीट्यूट की बात करें तो सीए के कितने इंस्टीट्यूट है हमारी कंट्री में अच्छा व्हाट इज द इंस्टीट्यूट विच इंस्टीट्यूट इज कंडक्टिंग सीए कोर्स एग्जामिनेशन आईसीए व्हाट इज द फुल फॉर्म क्या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ओके हाउ मेनी आईसीआई आर देयर इन इंडिया कितने आईसीआई हैं हमारे देश में गेस करू कुछ भी बोलू नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है अभी एक सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है पूरे देश में आपको जो हर शहर में दिखते हैं वो उसकी ब्रांचेस हैं ठीक है तो कभी भी किसी को ये मत बोलना हमने कानपुर के आईसीएआई से सीए किया है आप चाहे यहां बैठे हों चाहे केरला में बैठे हों चाहे राजस्थान में बैठे हों सबके ऊपर एक इंस्टीट्यूट गवर्न कर रहा है दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड एवरी वन विल बी गेटिंग द सेम पेपर ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे कोर्स की क्योंकि आप देखिए आप कोई और कोर्स देखते हो एम देखिए या कुछ भी इंजीनियरिंग देखिए सबसे पहले उसमें ही पूछा जाता है कौन से कॉलेज से किया है यस yes? और उससे डिटरमाइन होता है कि भाई आपकी क्वालिटी क्या है कहाँ से करे इंजीनियरिंग कहाँ से करी आई आई से करी है तो बहुत अच्छी बात है नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से करी है तो कम वैल्यू है सीए में कभी ये नहीं होता कि कौन से कॉलेज से किया है लेकिन आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जरूर जाएंगे जब आप अपने कुछ रिलेटिव्स uh, या फ्रेंड्स को बताएंगे कि हम सीए कर रहे हैं तो जिनको नॉलेज नहीं होती वो नॉर्मली पूछते हैं कौन से कॉलेज से कर रहे हो तो आप समझ जाइएगा ठीक है कि क्या बताना है दर इज नो कॉलेज सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है पूरी कंट्री में दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ इंडिया ठीक है वही एग्जामिनेशन करवाते हैं सेम क्वेश्चन पेपर विल बी देयर तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारा अभी तक आप जैसे क्लास ट्वेल्थ में थे तो आपका जो कंपटीशन था वो आपके क्लास में था ठीक है सिर्फ क्लास के वो तीस चालीस पचास बच्चों में अब आपका कॉम्पिटिशन किससे है किससे है कॉम्पिटिशन अब आप कहें किसी से नहीं है पूरे इंडिया से है यानी पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे सी का नवम्बर अटेम्प्ट फाउंडेशन एग्जाम फोकस कर रहे हैं आपका कंपटीशन उन सबसे है तो वो जो दो घंटे ढाई घंटे पढ़ाई करने की एक प्रथा है ना आपकी वो छोड़नी पड़ेगी दिस कोर्स हार्ड वर्क वो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे कि अभी आठ घंटे पढ़ो फिर दस घंटे पढ़ो फिर पंद्रह फिर बीस एंड सो ऑन है ना कुछ बच्चे समझदार है समझ गए हाँ सर कुछ बच्चे सोच रहे हैं इतने घंटे होते पता ही नहीं हम तो फोन देखते रह जाते हैं सो so, ये तो टाइम टू टाइम आपको पता चलता रहेगा कितने घंटे पढ़ना है बट देन आपका कॉम्पिटिशन इंडिया लेवल पर है इंडिया में जितने भी लोग इस टाइम नवम्बर अटेम्प्ट फोकस कर रहे हैं टारगेट कर रहे हैं आपका कॉम्पिटिशन उन सबसे है जो ऑल इंडिया रैंक आती है वो ऑल इंडिया रैंक नेशनल लेवल पर आती है इन नाम से ही समझ रहे हो ऑल इंडिया रैंक आपके क्लास के चालीस बच्चों की रैंक नहीं कि हम इस बार फर्स्ट आ गए अब हम सेकंड आ गए तो स्कूल से अब ऊपर उठिए इंडिया लेवल पे आइए दिस एग्जामिनेशन दिस कोर्स इज एट इंडिया लेवल एंड यू हैव टू टारगेट फॉर ऑल इंडिया रैंक हम आपको पास होने के लिए नहीं पढ़ा रहे द वे कितने मार्क्स का पेपर होता है हंड्रेड मार्क्स का एक पेपर चारों मिला के फोर हंड्रेड पासिंग कितना होता है पासिंग कितना होता है फिफ्टी परसेंट दैट इज टू हंड्रेड रॉन्ग पासिंग मार्क्स इज फोर हंड्रेड पेपर कितने नंबर का होता है 400 पासिंग कितना होता है 400 ये आज से आपका टारगेट है हम चार पांच बार रिपीट करेंगे मैं पता है अभी आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा ये क्या बोल रही हैं ऐसे थोड़ी हम लोगों के लिए 400 में से 400 पासिंग है 200 पासिंग नहीं है आपको पता है जब आप अपने एग्जाम में 100 नंबर की तैयारी करते हैं तो कितने आते हैं सेवेंटी हालांकि आजकल तो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट पता नहीं कहाँ से बच्चे आते हैं नाइन्टी नाइन तक आ जाते हैं वो भी थ्योरी पेपर्स में है ना कुछ एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चे हमारे टाइम पे ऐसे नहीं होता था बट जब आप सौ नंबर की तैयारी करते हैं तो सिक्सटी सेवेंटी एटीज पे लैंड करते हैं तो अगर आप चार सौ में से दो सौ पासिंग की तैयारी करेंगे तो आप कहाँ लैंड करेंगे तो आज से आपको अपने माइंड में यहाँ के जितने भी बच्चे हैं शिक्षा के जितने भी बच्चे हैं आपको अपने माइंड में यह सेट करना है कि हमारे लिए 400 में से 400 पासिंग है जब आप 400 नंबर की तैयारी करेंगे गलती से कहीं 300, 320, 350 बीस आ गए गलती से ऑल इंडिया रैंक है आपकी गलती से अगर 300 सौ साढ़े तीन नंबर आ गए तो ऑल इंडिया रैंक का मतलब समझते हो अब आप कहेंगे हाँ इंडिया में रैंक नो ऑल इंडिया रैंक का मतलब ये होता है आपका जो सैलरी का पैकेज लगेगा ना वो इंक्रीज हो रहा है इट्स वेरी सिंपल हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है मेरी कोई रैंक नहीं है आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है आपकी ऑल इंडिया रैंक है एम्प्लॉयर किसको रखेगा आपको बट ऑब्वियस और तीनों लेवल्स में से किसी भी लेवल पे ऑल इंडिया रैंक आ जाए उसकी वेटेज होती है दिमाग लगा के बताओ कौन से लेवल पे लाना ज्यादा आसान है एज सिंपल एज दैट फाउंडेशन में अकाउंट्स आपको पढ़ा हुआ है जिनका नहीं पढ़ा है बिल्कुल टेंशन ना लें जिनका पढ़ा है बहुत अच्छी बात है जिनका नहीं पढ़ा है बहुत अच्छी बात है और अच्छी बात है जीरो से पढ़ना इज मच बेटर जिनका पढ़ा हुआ है उनके साथ अभी बड़ी दिक्कतें होंगी हम तो ये ट्वेल्थ में ट्वेल्थ में तो ऐसा करते थे तो ये चीज होती है जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं या जिनको दिक्कत होती है हमेशा से अकाउंट उनके लिए और अच्छी बात है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो स्टार्टिंग फ्रॉम तो जिनको जो कुछ याद भी है सब भूल जाओ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो ठीक है और हम लोगों को कितने मार्क्स की तैयारी करनी है एनर्जी निकल गई सारी क्या कितने मार्क्स हाँ ऐसे बोला करो थोड़ा ऊंचा सुनते उम्र हो गई हमारी ऊंचा सुनते जरा ऐसे एनर्जी लाओ कि लगे कोई कोर्स कर रहे हो द मोस्ट कोर्स द मोस्ट प्रेस्टिजियस कोर्स डिसिप्लिन नोबलेस्ट प्रोफेशन इतनी सारी चीजें आपके कोर्स के साथ नाम जुड़ा हुआ है कि जो ऐसे बैठ जाते हो ना एकदम ऑन आप लोगों को देख के ऐसा लगता है कि बस 92 टू ईयर चल रहा है सात आठ साल और जीना है चार है? है तो तो 400 मार्क्स जब हम 400 में से 400 टारगेट करेंगे तो अगर हमारे गलती से 320 या 350 फिफ्टी भी आती है तो तीन सौ बीस तीन पे ऑल इंडिया रैंक आती है तो आज के बाद दो भूल जाओ ठीक है कोई भी आपसे पूछेगा पासिंग मार्क कितना है हंड्रेड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर हंड्रेड परसेंट वैन यू आर प्रिपेयर फॉर वन यूल प्रिपेयर फॉर हंड्रेड परसेंट देर गोइंग टू लैंडी परसेंट वेन यूल प्रिपेयर फॉर फिफ्टी परसेंट सोच लो ठीक है और इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है भी बताया आपको एग्रीगेट फिफ्टी परसेंट और इंडिविजुअली इंडिविजुअली फोर्टी परसेंट इंडिविजुअली फोर्टी परसेंट और एग्रीगेट फिफ्टी परसेंट ठीक है तो दिस वॉज द फिनोमिना ऑफ सी ए तो बाकी मैंने आपको बता दिया इसके तीन लेवल्स होते हैं ठीक है ठीके? ट्रेनिंग होती है एंड एवरी और आज से आप इस कोर्स की स्टार्टिंग कर रहे हैं ठीक है हम लोग बात करेंगे बेसिकली लॉ की ठीक है तो सबसे पहले तो हम आपसे पूछ रहे थे कि सी होता कौन है लॉ में तो बाद में आते पहले पूछते सी ऑडिट करता है ऑडिट में क्या करता है क्या करना होता है ऑडिट पे मशीन ठीक करनी होती है

तो डेफिनेटली आपको कोई भी उसमें गलती ना मिलती लेकिन क्या ऐसा होता है आप जो टेस्ट करते हो उसको चेक कौन करता है कोई दूसरा पर्सन सिमिलरली जब किसी कंपनी कोई कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है ये शब्द सुना होगा आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या क्या होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स अरे अकाउंट्स के चैप्टर बता दो स्टार्टिंग से सीधे प्रॉफिट एंड लॉस बन जाता है उसके पहले ट्रेडिंग अच्छा रिवर्स चल रहे हो स्टार्टिंग से बताइए प्लीज जर्नल एब्सोल्युटली जर्नल होता है लेजर होता है कुछ बच्चे कह रहे हैं, अच्छा ये बताना था अभी लो पूरी लिस्ट तैयार जर्नल लेजर देन ट्रायल बैलेंस हाँ ये देखो कॉन्फिडेंस आया ओके ये जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं ये सब बनाता है कंपनी का अकाउंटेंट ठीक है क्या आप अकाउंटेंट बनने वाले हैं

यानी आप अगर ऑडिट कर रहे हैं ऑडिट करने का मतलब क्या हुआ ऑडिट करने का मतलब बुक्स एंड अकाउंट्स की चेकिंग करना बेटा बाद में लगवा लेना अटेंडेंस बाद बाद में लग ले। ले बाद में लगवा लगवा लेना ले जाओ <coughs> ओके okay? तो जितना भी अकाउंटिंग का काम हो रहा है हमारी कंपनी में उन सब को चेक करना अब चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है समझिए अकाउंटेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना दी उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी नजरों से चेक करता है सब सही है कि नहीं कोई गलती है तो कोई गलती तो नहीं है और सब कुछ देखने के बाद वो अपनी एक रिपोर्ट देता है और रिपोर्ट पे अपना साइन कर लेता है अगर सी ए का साइन है इसका मतलब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं पे भी कोई गलती नहीं है आपको समझ में आ रहा है आपके साइन की वैल्यू कितनी है यानी अगर सीए का साइन लगा है वहां पर इसका मतलब इन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं भी कोई भी एरर नहीं है सब लोग इस बात पे विश्वास करते हैं गवर्नमेंट भी वो बात अलग खुद को विश्वास नहीं होगा है।, है ना आप साइन तो कर देंगे आपको डर लगा रहेगा कहीं तो कुछ छूट तो नहीं गया हमसे बट सी ए का साइन इज वेरी वैल्यूएबल तो सबसे पहले तो एक साइन बनाना सीख लो अच्छा सा अभी आपकी सिचुएशन क्या आप रोज साइन बदलते हैं है ना रोज नए नए साइन बनाते हैं अब जैसा कि आपको पता चला कि आपके साइन की बहुत वैल्यू है तो आप एक भयानक सा साइन बनाना सीख लेंगे है ना उसमें रिस्क क्या है पता है आप कभी कभी इतना टफ साइन बनाना सीख लेते हैं कि अगली बार आपसे खुद ही नहीं बनता है तो एक ऐसा साइन अपना प्रैक्टिस कर लीजिए सीए बने ना बने साइन तो बनाना सीख ही लो है ना नो no, ऑबियसली आप बहुत जल्द सीए बनेंगे और आपका जो साइन होगा वो सारी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स एंड अकाउंट्स में होगा अगर एक ऑडिटर ने जो ऑडिट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं ऑडिटर अगर ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे दी है क्लीन क्लीन ऑडिट ऑडिट रिपोर्ट रिपोर्ट दे दी है का मतलब उसमें कोई भी एरर्स नहीं है इसका मतलब सब लोग ये ट्रस्ट कर लेंगे चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो आउटसाइडर्स हो सब लोग ये ट्रस्ट कर लेंगे कि उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए आपको भी चेक करना चार्टर्ड अकाउंटेंट के भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि एक बात बताओ अगर के साइन होने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एरर निकल आती है बताइए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फ़ाइन तो लगता ही है पेनाल्टी तो लगती ही है बस शुक्र मनाना इंप्रिजनमेंट ना हो जाए इंप्रिजनमेंट समझ गए जेल वैसे बहुत कम प्रोविजन है बट बी अवेयर पता चला जेल में बैठ के स्टेटस डाल रहे इन जेल ऐसे तो करते हो फीलिंग हैप्पी है ना सो दिस इज जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर डाली गई है अपार्ट फ्रॉम अकाउंटिंग टैक्सेशन टैक्स पता है सबको क्या होता है ठीक है uh, हर तरीके दो तरीके टैक्स होते हैं जो तो सब टैक्स में आपको पता चलेगा जब आप इंटरमीडिएट में आओगे बट टैक्स बचाना हर कोई चाहता है, है ना? टैक्स बचाने के लिए किसकी याद आती है किसके पास जाते हैं सीए और अब आप सोच सकते हो कि आपकी कितनी इंपॉर्टेंस होने वाली है हर वो बंदा जो पैसा कमा रहा है उसके ऊपर टैक्स लग रहा है लेकिन वो देना नहीं चाह रहा है ठीक है और उससे बचने के लिए सिर्फ एक ही इंसान है जो उसको बचा सकता है सीए चार्ट अकाउंटेंट ठीक है तो ये सब आपका कोर एरिया है इफ वी टॉक अबाउट अकाउंट इफ वी टॉक अबाउट टैक्स ये आपका कोर एरिया है बींग चार्ट अकाउंट ओके फाइन नाउ कमिंग टू लॉ लॉ क्या होता है वॉट इज लॉ लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन वेरी गुड ये भी सीए को चेक करने पड़ते हैं कि कंपनी में लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं माई वेरी बेसिक क्वेश्चन टू यू हम लोग लॉ फॉलो करते हैं लॉ फॉलो करते हैं हम लोग डर क्यों रहे हो हाँ या ना तो बोल फॉलो करते सारे लॉ फॉलो करते हैं हेलमेट लगा के आए स्कूटी पे हाँ क्या हुआ तो जितने भी लॉज हैं उस हिसाब से हम लोग को सारे लॉज फॉलो करने चाहिए लेकिन अभी बेसिक चीज हमने आपने करी ना हमारे यहाँ स्कूटी का अलग सिस्टम है जब आप स्कूटी चलाते हैं तो आप पीछे अपने एक दोस्त बिठाते हैं हाँ? वो दोस्त किस लिए होता है पता है वो दोस्त हेलमेट पकड़ के बैठता है हाँ क्यों बैठता है हेलमेट पकड़ के कि अगर कहीं दूर से कोई पुलिस वाला दिख जाए तो वो पीछे वाले दोस्त का काम होता है इसे धप्प से डाल दो है ना तो जो ड्राइव कर रहा होता है उसको अचानक से लगता है कहीं कुछ हुआ लेकिन उस दोस्त की ड्यूटी खत्म नहीं होती फिर क्या करना होता है उसे बताओ निकालना भी होता देखो सी यू ऑल सो इंटेलिजेंट तो ये बताइए जितने भी लॉ है हम लोग फॉलो करते हैं करें ना करें लेकिन करना चाहिए क्यों फॉलो करना चाहिए लॉ क्यों फॉलो करें बड़े सिंपल सा क्वेश्चन पूछा अभी तो हमने सेल्स और गुड्स तक शुरू भी नहीं किया क्यों फॉलो करें लोग नहीं करेंगे जाओ एनीथिंग एनी आंसर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ओके और एनीथिंग एल्स सेफ्टी अपनी सेफ्टी के लिए ओके और सेफ्टी के लो या हमारी भलाई के लिए हमारे बेटरमेंट के लिए ना आपके डिसिप्लिन के लिए आपकी भलाई के लिए आपके बेटरमेंट के लिए लॉ फॉलो करना चाहिए आज से हमने भी आपके लिए एक लॉ बना दिया ठीक है हमने आपके लिए एक लॉ बनाया है कि जितने भी सीए के यहाँ के बच्चे हैं उनको 16 घंटे पढ़ाई करनी है रोज करोगे फॉलो हमने एक लॉ बनाया कि आज आप से आपको 16 घंटे पढ़ाई करनी है करेंगे फॉलो सोच समझ के बोलना अभी तो बोल रहा है yes, हाँ नहीं करोगे ना वही मैं पूछ रहा हूं वो वही आई एम आस्किंग फॉलो करोगे सोलह घंटे बताइए पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे हमने आपके लिए लॉ बना दिया कि आज से आपको सोलह घंटे पढ़ाई करनी है चलो ना मेरी ना तुम्हारी बीस घंटा ठीक है दिस इज मेड बाय मी विल यू फॉलो दिस वाई नो अभी तो आप कह रहे थे बड़ी बड़ी बातें डिसिप्लिन सेफ्टी आई कैन अश्योर यू आप बीस घंटे पढ़ो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा अब बताओ करोगे फॉलो स्टिल नो क्यों भाई गवर्नमेंट लॉ बना रही है फॉलो कर रहे हो वो भी तो सेफ्टी के लिए बना रही है हमने लॉ बनाया हम भी आपकी भलाई के लिए बना रहे मेरा क्यों नहीं फॉलो कर रहे एनी आंसर हम्म लीगली एप्लीकेबल नहीं है तो मेन वाला लॉ कैसे एप्लीकेबल होता है हम भी लीगल प्रोसीजर सब लोग सब लोग कौन कौन सा ग्रुप ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल बताइए हमारा बनाया हुआ लॉ आप फॉलो नहीं कर रहे हो गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ फॉलो करते हो व्हाई व्हाई डू वी फॉलो द लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट अच्छा ये तो सबने बचपन में पढ़ा होगा कि लॉ बनता कैसे आपको याद है आपके हिस्ट्री की एक छोटी बहन थी सिविक्स याद आई याद करना नहीं चाहते थे आप उसे है ना वहां आपने पढ़ा पढ़ा होगा हाउ डज हाउड बिल बिकम्स बताओ कैसे बनता है एक लॉ कैसे बनता है दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास होता है लॉ तो माय सिंपल क्वेश्चन इज दैट कि हम आज आपके लिए लॉ बना रहे हैं, वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो पार्लियामेंट आपके लिए लॉ बनाती है वो आप फॉलो कर लेते हो सो ये लॉ को पावर कहां से मिल रही है कि गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉ को पावर मिल रही है मेरे बनाए हुए लॉ को पावर नहीं मिल रही है जितने भी लॉ होते हैं फ्रॉम गेटिंग द पावर इसका जो आंसर है वो भी आपने पढ़ा हुआ है अभी जब हम बोलेंगे तो आप कहेंगे हाँ बताओ लॉ को पावर कहाँ से मिलती है कोर्ट से नो फ्रॉम पीपल ऑफ द कंट्री इन विच फॉर्म वन वर्ड नो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान सुना है कॉन्स्टिट्यूशन में एक लाइन आप पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल ये संविधान हमने बनाया है हमारे लिए इसलिए आप वो लॉ फॉलो करते हो हम आज आपके लिए 20 घंटे का लॉ बनाएंगे आप फॉलो नहीं करोगे लेकिन आज आपने अपने लिए 20 घंटे का टाइम टेबल बना लिया हो सकता है आप फॉलो कर लो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है संविधान लोगों ने बनाया है अपने लिए और कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि लॉ होते हैं जिससे कंट्री गवर्न होती है तो ये जितने भी लॉ हैं इन सारे लॉ को पावर कहां से मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से और कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लोगों ने ही बनाया है लोगों के लिए याद आया कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जरूर होगा पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स उसकी भी एक बहन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना इससे आगे हम कुछ नहीं पूछेंगे परेशान ना हो हमें पता है बस यहीं तक याद था है ना फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल सो जितने भी लॉ है उन सारे लॉ के ऊपर उनका जो फोर फादर बैठा हुआ है वो कौन होता है कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे ऊपर होता है कॉन्स्टिट्यूशन और फिर होते हैं हमारे देश के सारे लॉ अब इस हिसाब से इस लॉजिक से हमको बताओ अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात लिखी है और लॉ में उसके अगेंस्ट कोई बात लिखी, बात लिखी लिखी है 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 ऑपोजिट ठीक तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानोगे कि लॉ को मानोगे कॉन्स्टिट्यूशन ये जिंदगी भर याद रखना अगर आपके लॉ में कोई ऐसी बात लिखी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल

बिकॉज अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं एक चीज हमेशा ध्यान रखना अब आपकी पढ़ाई याद करने वाले बेसिस पे नहीं होगी क्योंकि अब आप जब सी ए बन जाएंगे तो आपके पास क्लाइंट आएगा क्या क्लाइंट, क्लाइंट आपसे आंसर्स पूछेगा डिफाइन दिस डिफाइन बुक कीपिंग क्लाइंट आया उसने कहा गिव डिफरेंसेस बिटवीन क्लाइंट ये नहीं पूछे क्लाइंट कहेगा भैया हमारी एक कंपनी है उसमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है बताइए हम क्या करें अब आप उसको कौन सा आंसर सुनाओगे आई यू अंडरस्टैंडिंग तो अब आपको याद स्पेसिफिकली अगर हम वर्ड यूज करें रटना नहीं है इवन लॉ कुछ बच्चों को लगता है लॉ अकाउंट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लॉ थ्योरी सब्जेक्ट लॉ इज नॉट अ थ्योरी सब्जेक्ट लॉ से ज्यादा प्रैक्टिकल दुनिया में कुछ नहीं हो सकता बिकॉज एक्चुअली लॉ ही एप्लीकेबल होगा फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्लाइंट आया और क्लाइंट ने आपसे कहा भैया डिपार्टमेंट वालों ने हमारे कंपनी के ऊपर इस लॉ के हिसाब से ये एक्शन ले लिया है उन्होंने हमारे ऊपर ये एक्ट लगा दिया हम है, है हम फंस गए हैं बताइए हम क्या करें ठीक है अब आप उसे क्या कहोगे फंसना ही चाहिए तुम्हारे ऐसे हैं नॉट अब आप उस क्लाइंट को बचाने का तरीका ढूंढोगे सबसे पहले आप उसी लॉ में तरीका ढूंढोगे कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि हम इसको बचा ले अगर नहीं तो आप एक और तरीका यूज कर सकते हो क्या वो लॉ कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है। अगर आपने कोई ऐसा पॉइंट पकड़ लिया कि भाई ये लॉ आपने जो लगाया है बिल्कुल सही है लेकिन लॉ का ये पोर्शन फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। बताइए केस कौन जीतेगा? आप। और अगर आप केस जीत गए और क्लाइंट जीत गया पैसों की बारिश करेगा आपके ऊपर ये काम है चार्टर्ड अकाउंटेंट का यू हैव टू फाइट फॉर योर क्लाइंट ज अब इसमें कौन सा रटा हुआ आंसर यूज आ गया नो no. आप कभी किसी सी के ऑफिस में देखिए मोटी मोटी किताबें रखी होती हैं। आपको क्या लगता है याद करके बैठे ये लोग नो no. चार्ट अकाउंटेंट कभी याद नहीं करता रेफर करता है ठीक है अभी हम आपको सब बताएंगे एक्ट क्या होता है बेयर एक्ट क्या होता है सेक्शन क्या होता है वो सब बताएंगे ठीक है तो जब भी कोई क्लाइंट आपके सामने आता है अपनी प्रॉब्लम लेके तो सबसे पहले ये देखो कि उसके ऊपर कौन सा एक्ट लग रहा है एक्ट का मतलब वो लॉ ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नाम से सिर्फ हमको बताओ कि इस एक्ट में इस लॉ में हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं गुड्स के सेल की यानी जब हम गुड्स को सेल करते हैं उसके ऊपर कौन से नियम कानून लगते हैं वो इस एक्ट के अंडर दिए हुए हैं जैसे एक बुक होती है बुक के अंदर चैप्टर्स होते हैं वैसे ही लॉ होता है ठीक है लॉ की जो बुक होती है जहां पर वो लॉ ओरिजिनली होता है उसको हम लोग कहते हैं बेयर एक्ट बेयर एक्ट का मतलब वो ओरिजिनल किताब जहां पे पूरा लॉ लिखा हुआ है जैसे सेल्स ऑफ गुड आके लिखा है ये आपका मॉड्यूल ही है वैसे हम आपको बता दें बुक्स बुक्स हैं सबके पास लाए हैं बाकियों के पास नहीं है हमें तो बुक दिख तो किसी की नहीं रही कहा लाए कुछ

अच्छा आपने ये लाइन सुनी है दफा 302 के तहत क्या होता है दफा 302 के तहत ये सजा सुनाई जा रही है कहा सुना है ये ये लाइन सुनी है अच्छा और बोल देते हैं तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए सुना है ना दफा 302 के तहत कोर्ट में तो कैसे जाते आते हो रोज हाँ अच्छा मुझे लगा आप कह रहे अरे वो कितने केस चल रहे हैं क्या बताए है? अभी कल ही एक मर्डर हुआ हमसे पिक्चरों में सुना सुनाट इज दिस दफा तीन सौ दो वट इज दिस दफा सेक्शन दफा उर्दू शब्द है ठीक है सेक्शन इंग्लिश वर्ड है और धारा हिंदी शब्द है सेक्शन यानी सेल्स ऑफ गुड्स अगर हम एक एक्ट की बात करते हैं इस एक्ट के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं अलग अलग पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं हर एक्ट में अगर हम आपसे बात करें कंपनीज एक्ट तो कंपनीज एक्ट के अंदर भी बहुत सारे सेक्शन है सेक्शन वन सेक्शन टू ऐसे हर एक्ट के अंदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं तो इसी सेक्शन को हिंदी में धारा बोला जाता है उर्दू में दफा बोला जाता है ठीक है और ये जो लाइन आपने बोली ना दफा 302 इसकी एक्चुअल लाइन होती है आईपीसी की दफा 302 के तहत इज इंडियन पीनल कोड इंडियन कोड हमारे देश का वो लॉ है जिसमें सारी सजाएं है. ठीक है तो फिलहाल अभी आपके कोर्स में नहीं है सजा वजा से हमें क्या लेना देना तो ये लाइन होती है लॉ की तो ये होते हैं सेक्शन तो जो बनता है वो बनता है सेक्शन से सेक्शन के अंदर होते हैं सब सेक्शन तो उस लॉ में अगर हम बात करते हैं कंपनीज तो इनकम लॉज होंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड इवन जीएसटी सुना है क्या होता है जीएसटी बस इसके अलावा आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा इनडायरेक्ट क्या बात है पेपर दिया हुआ अभी जून वाला ओके इनडायरेक्ट टैक्स है ठीक है अभी पढ़ेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग है बड़ा इंटरेस्टिंग है सी इज वेरी इंटरेस्टिंग ठीक है तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये भी एक टैक्स है ये भी एक लॉ है ये जितनी भी चीजें ये सब लॉ है और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लॉ का एक्सपर्ट मानते हैं आप वो एक्सपर्ट हैं जो लॉ को पढ़ेंगे इंटरप्रेट करेंगे और फिर अपनी कंपनी या अपनी क्लाइंट के लिए यूज करेंगे टैक्स से कैसे बचना है ये भी तो लॉ पढ़ के ही समझ में आएगा यानी आपने सारे सेक्शंस पढ़े और फिर उन सेक्शन का यूज करके आपने अपना केस फाइट किया अपने क्लाइंट के लिए ठीक है और हमेशा ध्यान रखिए लॉ में जो लिखा है वो ही सही माना जाएगा भले ही गलत क्यों ना लिखा हो आई एम रिपीटिंग माई लाइन लॉ में जो लिखा है जैसा लिखा है वो ही सही माना जाएगा भले ही गलत क्यों ना लिखा हो ठीक है फाइन लॉ में हाँ बेटा एब्सोल्यूटली अब उसकी बात बता रहे हैं। लॉ में अगर कोई चीज गलत लिखी है तो बताओ उसको सही कैसे करते हैं अभी लॉ में अगर कोई चीज़ गलत लिखी है तो सही कैसे करेंगे व्हाइट निकालेंगे लगाएंगे और सही कर देंगे लॉ में गलती होती है तभी तो अमेंडमेंट आती है अगर लॉ सही हो तो कभी अमेंडमेंट ना हो आपको पता है अगर लॉ एक बार में सही हो जाए ना तो हम लोग अमेंडमेंट आती रहती है पे तो इतनी अमेंडमेंट आती है रोज एक ना एक अमेंडमेंट आती रहती है अमेंडमेंट का मतलब यही है कुछ गलत लिखा था लेकिन जब तक वो अमेंडमेंट नहीं आती तब तक हम उसी लॉ को फॉलो करेंगे हम ये नहीं कह सकते कि अरे नहीं वो लिखना ये चाह रहे होंगे गलती से मूड नहीं सही था उस दिन तो ये लिख गए नो no. जो लिखा है वही लिखा है इट विल बी एज ट्रू एंड अनलेस इट इज इजेंडेड बाई अमेंडिंग प्रोविजन लेकिन सिर्फ एक चीज है दुनिया में जो लॉ के भी ऊपर निकल सकती है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि लॉ में भले ही लिखा हो लेकिन हम लॉ नहीं मानेंगे वो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ये हमेशा ध्यान में रखना तो जब भी कभी किसी लॉ में कोई ऐसा पॉइंट फंसे ना अभी नहीं फंसे मतलब पढ़ाई में नहीं एज अ क्लाइंट तो हमेशा एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार जरूर चेक कर लेना कि उसका कोई तोड़ तो नहीं है क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कोई ऐसा प्रोविजन मिल जाता है फिर लॉ ठंडा हो जाएगा क्योंकि सारे लॉ का फोर फादर कौन है कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन इज टॉप अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स कौन से थे याद है आपको कुछ भी ऐसे ही बताओ फ्रीडम ऑफ सबसे पहले तो इक्वालिटी था राइट टू इक्वालिटी और फ्रीडम के राइट्स थे ठीक है राइट टू स्पीच वेरी गुड और राइट टू इंफॉर्मेशन ओके वेरी गुड इसका तो एक एक्ट भी है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आर टी आई सुना होगा आपने ठीक है ये जितने भी अधिकार हैं ये सब अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं और ये सबसे ऊपर हैं यानी इसके आगे या इसके कॉन्ट्रिवेंशन पे अगर कोई लॉ भी बनाया जाएगा तो प्रिवेल क्या करेगा कॉन्स्टिट्यूशन आगे बात समझ में ठीक है सो दिस इज द पावर ऑफ लॉ अब जैसा हमने आपको बताया लॉ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन भी आते हैं उसमें ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो थोड़े कम आते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि एक क्लाइंट आपके पास आया उसने ये गुड्स यहाँ बेचे ऐसा किया अब आप बताइए इस एक्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए तो वो चीज भूल जाइए कि डिफाइन दिस और आप दो दो पन्ने तीन तीन पन्ने का आंसर लिख के आ रहे हैं आएंगे ऐसे क्वेश्चन होंगे बट कमली कम होंगे क्योंकि अब अगेन मैंने आपको बताया क्लाइंट के सामने आपको ऐसा नहीं आंसर नहीं सुनाना है आपको उसके प्रॉब्लम की सोल्यूशन देनी है तो हम लोगों को कुछ भी रटने की या याद करने की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ चीजों को समझना है अंडरस्टैंड करना है इज दिस क्लियर पक्का हम लोग कौन सा कोर्स कर रहे हैं सीए कोर्स सीए फाउंडेशन नहीं कर रहे हो सीए कर कोर्स कौन सा कर रहे हो सी ए कोर्स कर रहे हैं ठीक है फिर एनर्जी लेवल डाउन हो गया कौन सा कोर्स कर रहे कितने सब्जेक्ट्स होते हैं कौन कौन से हर आंसर में डर डर के क्यों बता रहे हो पेपर वन कौन सा है अकाउंट्स पेपर टू लॉ पेपर थ्री एंड फोर्थ कितने मार्क्स का टोटल पेपर है कितने लाने हैं गुड बस ये सुनना था हमें लगा कहीं भूल तो नहीं गए ठीक है बस इतना सुनना था 400 में से कितने लाने हैं 400 ठीक है ओके तो हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 लिखा है इसका मतलब क्या हुआ 1930. कौन से ईयर में आया 1930 ठीक है चलिए इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे इफ़ यू वांट आप अपनी बुक्स निकाल सकते हैं कौन निकाले स्क्रीन पे तो दिख ही रहा है बुक्स संभाल के रखो किसके किसी पास बुक्स नहीं है द वे आई नहीं है अभी मिली नहीं है लाई नहीं है अच्छा आई नहीं है आपका बेटा आई नहीं है ओके 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 जिसकी आई नहीं है जल्दी जल्दी बुला लीजिए और जिनकी आ गई हैं वो बुक्स वगैरह लेकर आएंगे ओके okay, तो जैसा कि हमने आपको बताया सेल्स ऑफ गुड्स नाम से क्या समझ में आ रहा है ये एक्ट किसके ऊपर लग रहा है गुड्स के सेल पर ठीक है जब हम एक नॉर्मल बिजनेस में गुड्स की सेलिंग करते हैं ठीक है बुक्स ओपन कर ली अब अब कॉन्सेंट्रेट जब हम लोग एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन में बुक्स की सेलिंग करते सॉरी गुड्स की सेलिंग करते हैं उसके ऊपर जो लॉ लगता है वो लॉ कौन सा होता है सेल्स ऑफ गुड्स गुड्स का मतलब क्या हुआ

फिर से पूछ रहे कुछ बच्चों को समझ नहीं आया पूछा क्या ये तो बताइए समझ ही नहीं आया वो क्या गया हमने आपसे पूछा कि हम ये लैंड ठीक है लैंड जहाँ पे ये बिल्डिंग है हम ये लैंड मिस्टर एक्स को बेचना चाहते हैं आप चार्ट अकाउंटेट है बगल में ऑफिस खोला है अभी आपने नया नया ठीक है तो हम ये लैंड बेचना चाह रहे हैं तो हम आपके पास आए आप सीए हमने कहा भैया एक बात बताइए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बहुत सुना है आपके बारे में ये बताइए हम ये लैंड इनको बेचना चाह रहे हैं क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा हमारे ऊपर क्लाइंट आएगा तो ऐसे ही मुंह हिला दोगे नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा रेस एंड डेंट ओके तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हमको आंसर ये बताया कि नहीं इसके ऊपर सेल्स ऑफ गुड्स टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि गुड्स वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके और आपकी लैंड मूव नहीं कर सकती राइट यही एनीबडी एल्स हां बेटा हम्म ओके 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 तो एक बच्चा ये कह रहा है सॉरी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ये कह रहे हैं कि वो जो गुड्स बनाए जाते हैं मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उनको गुड्स मानते हैं लैंड को हम गुड्स नहीं मानेंगे तो आपके हिसाब से इसके ऊपर सेल्स ऑफ गुड्स ऐड नहीं लग रहा है एनीबडी जिसको लग रहा है सेल्स ऑफ गुड्स ऐड लगेगा इसके ऊपर हां बेटा क्या बात है वेरी गुड एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे बीच में वो ये कह रहे हैं कि अगर आप लैंड में ही डील करते हैं लेट से हमारा काम है ब्रो, ए, लैंड का डेवलपमेंट का ब्रोकरेज का ठीक है ब्रोकर है आप ये गुड्स माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे पहले फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं आपने हमको ये बताया जो भी मूवेबल चीजें होती हैं उनको हम लोग क्या मानते हैं गुड्स डील right. करते हैं उनके लिए गुड्स होते हैं ठीक है लेकिन ये पॉइंट बहुत अभी आप आगे टैक्स आगे में पड़ोगे ठीक है तो फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं कि गुड्स उनको कहा जाता है जो की मूवेबल प्रॉपर्टी है कैन यू टेल मी व्हाट इज अबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी मूवबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है अच्छा लैंड इज घर पे तो एक ही जगह पड़े रहते हो मजा ले कोई हिला के दिखा दे टीवी के सामने है ना एनी वेज अच्छा जब आप मॉल जाते जैसे ही अंदर जाते ठंडी ठंडी हवा लगती है वहां ए सी कहाँ लगा होता है वो कौन सा ए सी होता है एसी होता है कि नहीं होता है कि हमारे चलती अंदर एसी होता है कौन सा एसी होता है वो सेंट्रलाइज्ड एब्सोल्युटली तो कैन यू टेल मी सेंट्रलाइज्ड एसी प्रॉपर्टी और इमूवेबल मूवेबल और इमूवेबल दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा ठीक है सेकेंड पेड़ पेड़ जानते हो मैनियन ट्री पीपल ट्री ये पेड़ मूवेबल होते हैं कि इमूवेबल अब डरा डरा आंसर क्यों दे रहे हो सहम गए हो एकदम कम ऑन दिस इज अ वेरी ओपन डिस्कशन पेड़ आपने बताया क्या होते हैं पक्का घास ग्रास क्रॉप क्रॉप मूवेबल पेड़ इमूवेबल ऐसी ही चर्चा कर रहे हैं बताओ फिर अच्छा पेड़ को अगर हम काट देंगे तो मूवेबल हो जाएगा और जब तक लगा हुआ है तब तक वो इमूवेबल है क्रॉप अनाज अच्छा दिस वॉज द सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने रखा शेयर्स शेयर होना है कंपनी के शेयर होते हैं शेयर मूवेबल होता है कि इमूवेबल ये अंधी लगा रहे हो क्या मूवेबल इमूवेबल ये बार बहुत देर से मूवबल बोल रहे हैं अभी मूवबल अच्छा मनी पैसे जो पड़े हैं आपके वॉलेट में मूवबल और ये, मुझबल। ये मुझबल है। हाँ और क्या अभी हमने टेम्पो वाले को दे दिए मूवेबल हो गए सी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सबसे पहली चीज आती है गुड्स किस चीज की सेल हो रही है गुड्स की गुड्स वो होते हैं जो मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं अब किसी ट्रांजैक्शन पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लग रहा है कि नहीं उसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कि वो गुड्स नहीं और वो गुड्स है कि कि वो मूवेबल इमूवेबल हम लोग क्यों चर्चा कर रहे थे इस पर अभी हमने शुरू नहीं किया है अभी तो बातें कर रहे हैं हम लोग बातें करेंगे है ना और क्या तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि भाई ये चीज मूवेबल है कि नहीं अगर मूवेबल है तो ही वो गुड्स है और अगर वो गुड्स है तो ही उसके ऊपर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लग रहा है तो बेसिकली हमने जो क्वेश्चन पूछा था कि हम ये लैंड किसी को बेच रहे हैं ठीक है अब बताइएगा क्वेश्चन हम ये लैंड किसी को बेच रहे हैं और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम आपके पास आए हमने कहा सेल्स ऑफ गुड्स